आईपीएल के 13वें सीजन का दूसरा डबल हेडर आज खेला जाएगा। दोपहर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके बाद शाम को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स इलेवन पंजाब आमने सामने होंगे। चेन्नई और पंजाब के लिए यह मुकाबला बहुत अहम है, क्योंकि दोनों टीमें सीजन में 4 में से 3 दिन मैच हार चुकी है। ऐसे में एक और हार दोनों की मुश्किलें बढ़ा देंगी। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सबसे नीचे 8वें और पंजाब 7वें नंबर पर है। वही मुंबई और हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आने की कोशिश करेगी। ये मैच अब से ठीक 30 मिनट बाद शुरू होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं इस मैच के बारे में अहम जानकारियां। हेड टू हेड, मुंबई ने आईपीएल में अब तक 191 मैच खेले हैं। 111 में उसे जीत मिली है, जबकि 80 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लीग में मुंबई का सक्सेस रेट 57.85% है। वही हैदराबाद ने अब तक लीग में 112 मैच खेले हैं। 60 में उसे जीत मिली है, जबकि 92 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लीग में हैदराबाद का सक्सेस रेट 53.57% है। शारजाह में रिकॉर्ड, इस मैदान पर हुई कुल T20 13, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती 9, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम जीती 4, पहली पारी में टीम का औसतन स्कोर 149, दूसरी पारी में टीम का औसतन स्कोर 131। पिच और मौसम रिपोर्ट, शारजाह और दुबई में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा। दोनों जगह तापमान 27 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दोनों ही जगह पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है। यहाँ स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी काफी मदद मिलेगी। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। शारजाह में हुए पिछले 13 T20 में पहले बल्लेबाजी वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 69% रहा है। वही दुबई में इस आईपीएल से पहले या हुए पिछले 61 T20 में पहले बल्लेबाजी वाली टीम का जीत का सक्सेस रेट 55.74% रहा है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर एक अपडेट खबर के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपीएल 2020 के हर एक मैच में टीम का प्लेइंग 11, मैच की हाइलाइट्स और ऐसी और भी कई जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।